Hello everyone, good morning. This is the second lecture in this week on the same topic called noun. हम लोगों ने मंडे को नाउन्स पढ़ा था एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द डिफिनीशन ऑफ नाउन, हाउ टू कैटेगराइज नाउन इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक द नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ पीपल, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ एनिमल्स एंड एक्सेट्रा. इज इट? हाँ, ये हम लोग कर चुके हैं. आज हम लोगों का दूसरा लेक्चर है सेम वीक में ऑन द सेम टॉपिक. ओके, हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी की थी मंडे को सेम टॉपिक नाउन पे. आज हम लोग फिर से इसी को कंटिन्यू करते हैं. आज नाउन की और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नए वर्ड्स भी सीखेंगे हम लोग इसके साथ साथ प्रैक्टिस में. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस. कैसी होंगी आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस? दिस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑन द टॉपिक नाउन. ऐसा कुछ एक स्टोरी है, ब्लू हॉट एंड ब्लू कोल्ड. ओके, ब्लू हॉट, ब्लू कोल्ड. इस स्टोरी में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से नाउन्स हैं. उन सारे नाउन्स को आपको सर्कल करना है. ओके, चले हम लोग शुरू करते हैं. ये स्टोरी है, हियर इज अ बॉय एंड ही इज सेइंग कि आई एम अशरफ. आई मतलब मैं, दिस इज आई एम अशरफ. तो मैं अशरफ हूँ, इट मीन्स कि ये अपना नाम बता रहा है. ओके, सो द वर्ड अशरफ, अशरफ क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये किसी पीपल का नाम है. देन तो हम लोग लिखेंगे कि अशरफ इज अ नाउन. देन हम लोग होमवर्क कैसे करेंगे? हम लोग होमवर्क के लिए क्या करेंगे, स्टोरीज लिखेंगे पहले. ठीक है, ये पूरा लिखेंगे एंड देन अशरफ को सर्कल कर देंगे. डन? ओके, फिर ये सेकेंड लाइन बोलता है कि आई मैं लिव इन, रहता हूँ. लिव मतलब रहना. डन? जिस भी वर्ड का आप लोगों को वर्ड मीनिंग नहीं पता होगा, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग उसे लर्न भी करेंगे. ओके, सो आई लिव इन, आई मीन्स मैं, लिव मतलब रहना, इन मतलब मैं. आई लिव इन कश्मीर. तो मैं कहाँ रहता हूँ? कश्मीर में रहता हूँ. इट मीन्स कश्मीर इज अगेन द नेम ऑफ अ प्लेस, है ना? तो कश्मीर भी क्या हो जाएगा? अपना नाउन हो जाएगा. डन? तो कश्मीर, तो कश्मीर को भी सर्कल कर लेंगे बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ नाउन. ओके, नेक्स्ट लाइन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हियर द विंड इज वेरी कोल्ड. तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट मतलब क्या होता है? ज्यादे. ऑफ द टाइम, तो ये एक आप लोग, ये फ्रेज है एक तरीके का, तो आप इसको लर्न करेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम का मतलब क्या होता है? अधिकतर समय. लिखिए आप लोग इसको, मोस्ट ऑफ द टाइम. मोस्ट ऑफ द टाइम मीन्स अधिकतर समय. ठीक है, मतलब अधिकांशतः, अधिकांश समय, अधिकांशतः, है ना? जैसे लोग बोलते हैं ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं स्कूल में ही रह जाता हूँ, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम तो मुझे घर पे पढ़ाई ही करना पड़ता है, या फिर पापा मोस्ट ऑफ द टाइम तो बाहर ही रहते हैं अपने वर्क को लेके, है ना? तो ये है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब अधिकतर, अधिकांशता, अधिकाधिक रूप से. डन? तो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब अधिकांश तौर पर, अधिकांशता, अधिकतर समय तक. हियर, हियर मीन्स यहाँ. द विंड इज वेरी कोल्ड, जो हवा है, विंड मीन्स हवा, इज वेरी कोल्ड. वो कैसी होती है? बहुत ठंडी होती है. वेरी मीन्स बहुत ज्यादा एंड कोल्ड मीन्स ठंडी होती है. तो विंड, विंड इज अगेन अ नाउन. विंड क्यों नाउन होगा जरा बताइए? यस, होगा नाउन. विंड इज द नेम ऑफ अ थिंग. डन? विंड, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स और टिफिन बॉक्स, कार, ट्रक, एक्सेट्रा. विंड, फायर, विंड, फायर, गैस, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ऑल आर द नेम ऑफ थिंग्स. तो ये सारे भी क्या होंगे? ये सारे भी नाउन्स होंगे. ठीक है, रिकॉल करिए डिफिनीशन. डिफिनीशन क्या कहता है नाउन का? अभी आप लोग छोटे हैं ना, इसलिए आप लोगों को अभी छोटे स्तर का डिफिनीशन ही पढ़ना है कि द नेम ऑफ प्लेस, द नेम ऑफ पर्सन, द नेम ऑफ एनिमल्स, द नेम ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड नाउन. ठीक है, प्लेस के नाम को, पर्सन के नाम को,
थिंग्स के नाम को, एनिमल्स के नाम को, उन सबको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. जैसे काउ, वो भी नाउन हो जाएगा. बफेलो, अगेन अ नाउन. डन. गोट, नाउन. चिकन, नाउन. हैन, नाउन. नेक्स्ट आते हैं. तो अभी तक हम लोगों ने इस फर्स्ट पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ एंड हो गया ना यहाँ पे, इस फर्स्ट पैराग्राफ में कितने नाउन्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए? अशरफ इज अ नाउन, कश्मीर इज अ नाउन, एंड विंड इज अ नाउन. ओके. नेक्स्ट लाइन, इट मेक्स माई टीथ चैटर. एक नया वर्ड आया, इट मेक्स. इट मतलब होता है यह. इट मेक्स माई टीथ. माई मीन्स मेरा, मेक्स मतलब बनाता है या करता है. टीथ मतलब दांतों को. देखिए, TOOTH ये होता है टूथ. टूथ मतलब होता है एक दांत, सिंगुलर है ये, है ना, एक दांत. अब जब इसी को हम लोग टीथ बोल देते हैं, TEETH, ये डबल ओ की जगह पे क्या जाता है, डबल ई आ जाता है, टी हो जाता है टीथ. टीथ मतलब एक से ज्यादा, ये प्लूरल फॉर्म है. दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ. टीथ इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ, है ना. टूथ मतलब एक दांत और टीथ मतलब एक से ज्यादा दांत. हमारे माउथ में तो एक से ज्यादा दांत होते हैं, तो हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, दीज आर टीथ. ओके, टूथ. अच्छा, आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग पाएंगे बहुत सारे वर्ड्स इससे डिराइव होते हैं. डिराइव होना मतलब इससे बनाए जाते हैं. जैसे टूथ से टूथपेस्ट बनता है, वो जो टूथपेस्ट है जिससे हम लोग ब्रश करते हैं, ब्रश को क्या बोलते हैं, टूथब्रश. टूथब्रश क्यों बोलते हैं इसको, मैं थोड़ा सा बताऊं आपको. ऐसे देखने का प्रयास करिए, जैसे लिखा हुआ है टूथपेस्ट. टूथपेस्ट मतलब एक ऐसा पेस्ट जो हम कहाँ लगाते हैं, टूथ पे लगाते हैं, अपने दांतों पे लगाते हैं. देन फिर लिखा जाता है स्पेलिंग टूथ ब्रश. इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा ब्रश जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, अपने दांतों के लिए यूज करते हैं. दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड टूथ ब्रश एंड टूथ पेस्ट. डन. ऐसी नेमिंग होती है. ओके, चलिए, ये जो हम लोग कर रहे थे ये करते हैं. तो इट मेक्स माई टीथ, क्या बनाता है मेरे टीथ को, चैटर. चैटर मतलब क्या होता है, देखिए चैटर जो है ना, अगेन लुक एट दिस वर्ड, एक वर्ड है चैट. चैट मतलब होता है बात करना. जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, हाँ हम लोग भी तो करते हैं, अपने स्कूल ग्रुप में भी करते हैं. आप अपने व्हाट्सएप टेक्स्ट हमको भेजते हैं कि सर ये डाउट है बता दीजिए, हम आपको वो डाउट क्लियर करने के लिए टेक्स्ट लिखते हैं. टेक्स्ट लिखना मतलब कुछ शब्दों को लिखना, कुछ पैराग्राफ्स लिखना. तो पैराग्राफ्स लिख के हम आपको सेंड करते हैं, आप हमें कुछ अपना टेक्स्ट लिख के, अपना सेंटेंसेस लिख के, अपने डाउट्स लिख के हमें सेंड करते हैं. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चैट. चैट मतलब एक दूसरे के थ्रू जो है, एक दूसरे से टेक्स्ट के थ्रू बात करने को चैट बोलते हैं. ठीक है, चैट मीन्स समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड कि इट्स नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू टेक्स्ट पार्ट, कि आप केवल टेक्स्ट से ही बात करेंगे उसी को चैट बोला जाएगा. आप अगर बात भी करते हैं ना, किसी से थोड़ा मोड़ा बात कर लिया, तो उसको भी क्या कहते हैं, चैटिंग कहते हैं, कि हम चैट कर रहे थे. जैसे आप और आपका एक दोस्त बात कर रहे हो आपस में, तब तक आपके कोई सर आए और पूछे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि सर हम लोग बस चैट कर रहे थे थोड़ा बहुत, यानी कि हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे बस. तो चैट मतलब होता है बात करना, उसी से वर्ड बना है चैटर. ये जो वर्ड है चैटर, ये इसी से बना है. चैट मतलब बात करना, तो बात करेंगे तो आवाज़ आएगी, वैसे ही चैटर. तो हमारे दांत जब खड़खड़ाने लगते हैं ना सर्दियों में, जब हम ठिठुरते हैं और ये खड़खड़ाने लगते हैं, तो उसी आवाज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, चैटर. तो इट मेक्स माई टीथ चैटर. तो इसलिए ये बहुत वेरी कोल्ड वेदर होता है ना वहाँ पे, तो वेरी कोल्ड, बहुत ठंड होती है, तो इस वजह से इट मेक्स माई टीथ चैटर. तो मेरी दांतों से क्या होती है, खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है. अब इसमें कौन सा नाउन है, टीथ नाउन है, समझ रहे हैं, टीथ दांत, ये भी तो किसी चीज़ का नाम है. दैट इज़ वाई इसका नाम, ये क्या है, नाउन है. क्या चैटर नाउन होगा, नहीं, चैटर नाउन नहीं होगा. चैटर मतलब क्या होता है, खड़खड़ाने की आवाज़, दांतों के खड़खड़ाने की आवाज़, या फिर बात करना. तो ये तो वर्क हो जाएगा, और वर्क क्या आता है, वर्क कभी भी नाउन में नहीं आता है. आप लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्क किसमें आता है, वर्क को हम लोग हमेशा वर्ब बोलते हैं, वर्ब, वी ई आर बी, ये पढ़ेंगे. जैसे नाउन पढ़ रहे हैं, तो नाउन के बाद हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे, एंड देन प्रोनाउन के बाद हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, ये थर्ड टॉपिक होगा. तो चैटर किस में आता है, सी एच ए डबल टी ई आर, चैटर किस में आ जाएगा, वर्ब में आ जाएगा. वर्ब
कोई भी काम करेंगे आप तो उसको क्या बोलते हैं, वो वर्ब में आता, वर्ब की कैटेगरी में आता है. जैसे उठना, स्टैंड अप, सिट डाउन, गो, कम, क्राई, साउट, स्माइल, लुक, ये सारे क्या हैं, वर्ब हैं. आप सारे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. तो जो जो भी काम करने, जैसे लुक, देखने का काम करना, हियर, सुनने का काम करना, टच, छूने का काम करना, स्टैंड अप, खड़े होने का काम करना, सिट डाउन, बैठ जाने का काम करना, गो, जाने का काम करना, कम, आने का काम है. देन तो जो भी काम होता है ना, वो वर्ब में आता है. तो ये नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो उसमें उस समय पे पढ़ेंगे. यहाँ पे क्या आएगा, टीथ, यानी कि अभी तक हम लोगों ने कितने नाउन्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए, 4, अशरफ, कश्मीर, विंड एंड टीथ. आई लाइक टू सिट इन द सन और नियर अ फायर. अगेन आई लाइक मतलब मैं पसंद करता हूँ. मैं थोड़ा सा इसे डिलीट करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे. तो ये लाइन पढ़िए, आई लाइक टू सिट, आई लाइक मतलब मैं पसंद करता हूँ. अच्छा, आप लोगों को भी घर में ऐसे बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए. जैसे आई लाइक मिल्क, आपकी मम्मी कभी मिल्क अगर पीने के लिए कहती हैं और आपका थोड़ा सा कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, तो आप बोल सकते हैं कि मम्मा आई लाइक कोल्ड ड्रिंक. डन. तो ये धीरे धीरे चीज़ें सीखिए और धीरे धीरे अपनी हैबिट में ले आइए ऐसे बात करने का. आई लाइक टू सिट, मैं बैठना पसंद करता हूँ. इन द सन, कहाँ, सूर्य में, मतलब सूर्य की रोशनी में बैठना पसंद करता हूँ. और या नियर द अफायर, नियर मतलब पास में, अफायर या फिर किसी आग के पास में बैठना पसंद करता हूँ. तो हाँ, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है. बहुत ऑब्वियस मतलब बहुत ही जनरलाइज्ड बात है ये, कि जब भी आपको ठंड लगेगी तो या तो फिर आप सूर्य की रोशनी में बैठना पसंद करेंगे और नहीं तो फिर आप आग के पास बैठना पसंद करेंगे. इज इट, हाँ है ऐसा. तो जो ये सन है और ये फायर है, ये भी क्या हो जाएंगे, नाउन्स है हमारे, सन एंड फायर. क्यों नाउन्स है, कैसे पहचानेंगे नाउन्स है? हाँ, नाउन्स है क्योंकि सूरज भी तो किसी न किसी का नाम है ना. सन, सन जो हम लोग बोलते हैं तो वो एक प्लैनेट है और उस प्लैनेट का नाम है सन. अर्थ भी एक प्लैनेट है, तो अर्थ भी क्या होगा, नाउन होगा. सन भी क्या होगा, इट्स अ नेम ऑफ द प्लैनेट. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो, सिंस इट इज द नेम ऑफ अ प्लैनेट, इट इज नोन एज नाउन. अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट, द नेम ऑफ अ प्लैनेट कॉल्ड अर्थ, दैट इज वाई अर्थ इज ऑल्सो अ नाउन. डन. आप लोगों को और भी सारे प्लैनेट्स बताऊंगे, जुपिटर, मार्स, मरकरी, इज इट, नेपच्यून. तो ये सारे भी क्या होते हैं, इन सारे सारे जो भी सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनके भी नेम्स सब कुछ नाउन के कैटेगरी में आएगा. डन. तो इसका मतलब हुआ हम लोगों ने इस पूरे पैराग्राफ में मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, दिस इज ब्लू. इस पूरे पैराग्राफ में हम लोगों ने कितने कौन कौन से नाउन आइडेंटिफाई किए, अशरफ, कश्मीर, विंड, टीथ, सन एंड फायर. तो ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 नाउन्स है इस पूरे पैराग्राफ में. ऐसे ही आप लोगों को भी करना है. देखिए, मैंने यहाँ पे ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड जो इस टॉपिक का नाम है, मैंने इसका मतलब नहीं बताया. डन. आप लोग खुद सर्च करेंगे और खुद बताएंगे कि इसमें से कौन कौन नाउन्स हैं और कौन कौन, आपको तो खैर फिलहाल केवल सिर्फ नाउन ही बताना है, नो वर्ब्स एंड नथिंग एक्स्ट्रा, और किसकी क्या मीनिंग है. डन. आज हम लोगों ने एक दो और एक्स्ट्रा चीज़ें सीखी, चैटर का मतलब क्या होता है, देन एक सेंटेंस फ्रेम करना कि आई लाइक टू आप बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं. आई लाइक कोल्ड ड्रिंक, आई लाइक टी, आई लाइक मिल्क, आई लाइक केक, आई लाइक पैनकेक्स, आई लाइक पिज्जास, आई लाइक बर्गर, आई लाइक पानीपुरी, आई लाइक वाटर बॉल्स. पानीपुरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाटर बॉल्स. डन. तो ये आई लाइक वाला चीज़ आप लोग लर्न कर लीजिए. डन. और उसको आज प्रैक्टिस भी करना है, कुछ भी. आई लाइक माई फ्रेंड, आई लाइक माई बुक, आई लाइक मैथमेटिक्स, आई लाइक इंग्लिश, आई लाइक स्पीकिंग इन इंग्लिश. ओके. तो ऐसे ऐसे सेंटेंस फ्रेम करके एक एक ये लर्न करना है. आई लाइक से आपको एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस फ्रेम करके होमवर्क करके और उसको भी लिख के देना है एक्स्ट्रा. और उसके बाद से जो भी आपको सीट दी जा रही है वो सीट भी फिनिश करके आपको सबमिट करना है. सो दिस इज इट फॉर टुडे. बाय बाय.